ये चित्रा जी भी ना, इतना सारा खाना कहाँ खाने वाले थे हम? सारा खाना इसी तरह यहाँ पे पड़ा रहेगा तो खराब हो जाएगा। कमरे में तो नहीं रख सकते, लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। रसोई में ही रखना होगा। पार्टी के दौरान सविता अपने कमरे से बाहर निकलती है और गलती से उसका पैर फिसल जाता है। मिस्टर गोयल के सामने इस शर्मिंदगी से मिनोली बहुत गुस्सा होती है। इससे कोई और कुछ नहीं हो सकता। बच्ची को जी उम्मीद भी नहीं तुम्हारी माँ की वजह से। It's okay, it's okay. अब ये ठीक कभी नहीं मिलेगा। मिस्टर गोयल, आप नहीं, it's okay, I'm all right, no problem, no problem. मिस्टर गोयल, बेटा, no problem. I'm really sorry. No, it's okay. Actually ये हमारी घर की नहीं ना। हाँ। नहीं है इस घर में। बेटा हमारा पैर फिसल गया। कोई बात नहीं माँ, कोई बात नहीं, इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। और माँ आप तो ठीक है ना? और डरिए मत, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। मिनोली मिस्टर गोयल के साथ अपनी डील हाथ से जाते हुए देख परेशान हो जाती है। मुझे क्या सपना आया था कि मिस्टर गोयल को ना गेहूं पसंद है ना चावल, दाल और सब्जी के साथ उन्हें क्या साफ करूं? इतनी बड़ी डील हाथ से जा रही, टेंशन तो होगी ना। टेंशन मुझे भी है पर ये सॉल्यूशन नहीं है देवी। लेकिन आखिरी वक्त पर सविता एक उपाय सुझाती है। आपके मेहमान को तो चावल और गेहूं से परहेज है, मक्के की रोटियां खा सकते हैं। मक्के की रोटी, वाह भाई ये तो मेरा फेवरेट है। बड़ी खुशी हुई जानकर कि आपको पसंद आया। थैंक यू माँ जी, आपने इतना अच्छा खाना जो आज हमें खिलाया है, शायद उतने ही अच्छे संस्कार भी आपने अपने बेटे को दिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज से हमारी कंपनी का अकाउंट आपकी एजेंसी का हुआ। और डील मिनोली को मिल जाती है। थैंक यू सो मच मिस्टर अग्रवाल, थैंक यू वेरी मच। आई मीन रियली यस, you deserve it. Daddy! Ani! अच्छा मैं पार्क में जा रहा हूँ। हाँ हाँ जाइए, पर दूध पी कर जाइएगा। पी लिया। अरे वाह, जाइए मजे कीजिए पार्क में। दादी आप आ रही है मेरे साथ पार्क में? आओ मौशी जाओ ना, वैसे भी साहेब और मैडम को आने में ना बहुत टाइम है। प्लीज चलिए। जाओ जाओ नक्की। अनिरुद्ध के कहने पर सविता सोसाइटी के पार्क में जाती है। दादी माँ आपको पता है मैंने अपने सारे दोस्तों को आपके बारे में बता कर रखा है, वो आपको देखकर बहुत खुश होंगे। हम भी बड़े खुश होंगे। लोग कितने जोर से लगाए इन्हें, कैसे खेल रहे हो तुम लोग? तेरे को तो नहीं लगी है ना, इस काम वाली बाई को लगी है। जहाँ सविता को लेकर अनिरुद्ध का दूसरे बच्चों के साथ झगड़ा हो जाता है। अरे बेटा बस, अरे बच्चों, अरे अनिरुद्ध, अनिरुद्ध बेटा मत झगड़ो, मत झगड़ो। अनी बेटा इतनी सी बात पे इतना गुस्सा बुरी बात है बेटा। पर दादी मैं इन्होंने आपको काम वाली बाई कहा ना, तो क्या हुआ बच्चे? काम वाली बाई बुरा शब्द नहीं है, आपने सुना होगा लक्ष्मी बाई, अहिल्या बाई, मीरा बाई, ये सब महान महिलाएं, उनके नाम के पीछे भी तो बाई शब्द है ना। आप लोगों ने भी तो पढ़ा होगा ना स्कूल में इनके बारे में, पढ़ा है ना? हाँ। और वैसे भी अपने बच्चों के लिए माँ हो या दादी माँ, वो दाई माई, टीचर, दोस्त, शेफ, वेटर, कुछ भी बन सकती है। पर फिर भी अनिरुद्ध
लड़ना झगड़ना समझदारी का काम नहीं है। आप बड़े ही प्यारे और समझदार बच्चे हैं सभी। मैडम सुनिए, फोटो आईडी दीजिए। जी मतलब? इधर फोटो आईडी पुलिस वेरिफिकेशन दिए बिना कोई अंदर नहीं आता है। अगर हम आईडी चेक नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन क्या है और कौन इधर आ जाए। नहीं नहीं, हम कुछ ऐसे। अरे घबराइए मत आंटी, इन्हें नहीं पता कि आप कौन हैं। वॉचमैन, ये मिस्टर सिंह की गेस्ट हैं, समझे ना? ये मेरी दादी है। सॉरी माँ जी, हमें पता नहीं था। इस बात को लेकर मिनोली और देवेन के बीच कहा सुनी हो जाती है। बोलो। तुम्हें पता है अनिरुद्ध को स्कूल बस में कौन बिठा के आया? तुम्हारी माँ। और तो और, शाम को तो उन्होंने हद ही क्रॉस कर डाली। मैंने उन्हें कहा था घर में रहने के लिए, इनफैक्ट अपने रूम में। नहीं, वो तो अनिरुद्ध को लेकर सीधा पार्क में चली गई जहाँ पे उसके सारे दोस्त होते। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इतनी बड़ी बात हो गई और तुम्हें प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है? नीचे सोसाइटी के सारे लोग उन्हें कामवाली बाई समझ बैठे थे। और तो और, वो वॉचमैन उनसे आईडी कार्ड मांग रहा था। पूरे सोसाइटी में हमारा मजाक बना के रख दिया तुम्हारी मां ने। कलह से बचने के लिए सविता सर्वेंट रूम में शिफ्ट हो जाती है। हम अपना सामान चित्रा के कमरे में ले जा रहे हैं, आज से हम वहीं रहेंगे। काम वाली बाई के कमरे में जाकर रहना, क्या वो ठीक है माँ? वो आप लोगों के लिए काम वाली बाई है देवेन, पर हमने तो उन्हें अपनी बेटी मान लिया है। कितना ख्याल रखती है वो हमारा, उनमें तो हमें चंचल की छवि नजर आती है। हाँ माँ, लेकिन फिर भी। देवेन, हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। हमने तय कर लिया है कि हम जब तक यहाँ रहेंगे चित्रा के कमरे में रहेंगे। आप हमारी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम यहाँ से कोई मजबूरी में नहीं जा रहे हैं, बल्कि राजी खुशी जा रहे हैं। दादी! अरे अनिरुद्ध, मैं आ गया। दिस वक्त। बाबा आप इधर काय को आए? मैडम चिल्लाएगी ना। आप टेंशन मत करिए, मैं छुप छुपा के आया हूँ। अच्छा दादी, एक घोस्ट स्टोरी सुना दी। हे भगवान! अच्छा बाबा, सुनाते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे हम, उसके बाद आप अपने कमरे में जाकर सो जाएंगे। बिल्कुल प्रॉमिस। ठीक है, चलिए सुनाते हैं आपको एक कहानी। देवा, बाबा रात को इधर ही सो गया। हौशी उठो। हौशी, बाबा ये रात में यही सोया था। हो ना मौशी, मेरे को मैडम का बहुत बहुत डर लग रहा है। हमें इन्हें तुरंत ले जाकर इनके कमरे में सुलाना होगा। ठीक है, चलते हैं। कमरे में नहीं है, गई कहाँ ये? अरे देवा, मौशी वो मैडम अगर इधर आ गई ना, वो खूब मोटा भांडण हो जाएगा। वो काय करूँ देवा, गणपति बापा ही बचाएगा। ओ मौशी घबरू होगा, और बाबा मेरे हाथ, एक सेकंड। मैडम, कब से बुला रही हूँ तुझे, कहाँ थी तू? मैं इधर ही थी मैडम, बाबा के कमरे में। यानी के कमरे में? कहाँ क्या कर रही थी?
गिलास, वो कल रात को बाबा को दूध दिया था ना, तो गिलास कमरे में भूल गई थी, वही च लेने आई थी। दूध पिया? हाँ हो पिया ना मैडम। ओके माजी कहाँ है? मैं तेरे रूम में भी देख के आई, वो वहां पे नहीं थी। कहाँ है वो? कमरे में नहीं है। हाँ वो स्नान करने गई होगी ना, सुबह सुबह पूजा करती है ना, इसीलिए। अच्छा हाँ। तू अपने आप को बहुत बड़ी चालाक समझती है, जो तू है नहीं। देख मुझे सब पता है। मुझे तूने क्यों नहीं बताया कि अनिरुद्ध को लेके माजी पार्क में गई थी? हो वो मौसी अनिरुद्ध को गार्डन में लेके गई थी हो, पर बाबा ने बहुत जिद की कि दादी माँ के साथ ही जाना है, इसीलिए गई थी। वो तो बच्चा है ना, वो तो कुछ भी जिद करेगा। तूने उसे क्यों जाने दिया? मैंने तुझे मना किया था ना। वो मैडम आगे से नहीं होगा, प्रॉमिस नहीं होगा। ध्यान रखना ये आखिरी बार है, आइंदा ऐसी कोई गलती की ना, अब दफा हो जा मेरे नजरों के सामने से। सॉरी। मिस्टर सिंह मिनोली से कहते हैं कि वो अनिरुद्ध और सविता को करीब न आने दें। माँ बेटे की जोड़ी को तोड़ो। ये दोनों माँ बेटे मिलकर बाज की तरह अनिरुद्ध पर झपट पड़े, और अनिरुद्ध तो बच्चा है, उसे क्या पता है ऊंच नीच छोटे बड़े का। देखो वो मासूम है, ऐसे चालबाज लोगों का उस पर ज्यादा असर होता है, क्योंकि ये चालबाज लोग बार बार भेष बदल कर आते हैं, कभी ममता का तो कभी भावना का तो कभी। सोचो। मैं जानती हूँ डैड, लेकिन सही वक्त आए तो। वक्त सही या गलत नहीं होता, इंसान द्वारा किए गए फैसले ही वक्त को सही या गलत बनाता है। फैसला सही तो वक्त सही, फैसला गलत तो वक्त गलत। और यहाँ सविता और अनिरुद्ध की नजदीकियाँ बढ़ती जा रही हैं। आज हमारे नन्हे मुन्ने अनिरुद्ध स्कूल क्यों नहीं गए, क्या दादी जान सकती है? नन्हे मुन्ने को दादी ने घोष स्टोरी नहीं सुनाई, पोता जान सकता है क्यों? अनिरुद्ध पापा ये गलत बात है बिल्कुल। तो सही कर दीजिए, आप प्रॉमिस करिए कि आप मुझे रोज रात को घोष स्टोरी सुनाएंगे। प्रॉमिस बोलिए। इतने से काम नहीं चलेगा, गलती की है तो पनिशमेंट लेने पड़ेगी। मुझे गुजिया खाना है। और आपकी माँ हमारी जान ले लेंगी ना बाबा ना, हम नहीं बनाएंगे गुजिया। मुझे गुजिया खानी थी और खानी है बस। हम अपने अनी बाबा के लिए गुजिया बना रहे हैं बस। ये बहू से डांट ही खानी पड़ेगी ना, खा लेंगे। मैदा निकाली। आई लगता है बहुत सारी गुजिया बना रही है। मैं अपनी दादी के हाथ की बनी गुजिया अपने फ्रेंड्स को भी खिलाऊंगा। क्या होगा जब इस बात का पता मिनोली को चलेगा? देखिए जननी सिर्फ इशारा पर।